पंजाब च इस वेले झोने की बिजाई का सीजन चल रहा है। मजदूर खेतों में झोना लगाते आम देखे जाते हैं, पर इन्हां दिनी जिहड़ी सब तो ज़्यादा चर्चा चल रही है वह है झोना लगाते मास्टर जी। बी ए एम ए बी एड टैट पास क्वालीफाइड नौजवान सरकार तो नौकरी ना मिलने ते तक हार के झोना लगाने मजबूर हो रहे हैं। गलबात के दौरान मानसा के रहने वाले बेअंत कौर कहती है कि उसने बी ए बी एड की हुई है और टैट पास है। वह गरीब परिवार के नाल संबंधित है, मापिया ने मजदूरी करके उसनू पढ़ाया सी, पढ़ लिख के उसनू नौकरी नहीं मिली जबकि सरकार ने कर कर नौकरी का वादा किया। बेअंत कौर कहती है कि जिस तरह क्वालीफाइड होने के बावजूद लड़के लड़कियां बेरोजगार ने, कारण टीचर ने घट्टो घट 15,000 पोस्टा कढ़नी चाहिए सन, पर सरकार ने सिर्फ 2182 पोस्टा कढ़ के उन्होंने मजाक किया। बेअंत कौर दुखी होकर कहती है कि जे धुप के झोना ही लगाना सी तां उन्होंने पढ़न का की फायदा होया। मानसा की ही करमजीत कौर की भी यही कहानी है। गरीब परिवार के नाल संबंधित करमजीत कौर कहती है इस तो बिना सूबे दे विच होर बहुत विद्यार्थी ने जो पढ़ना चाहते हैं, पर घरां दे माड़े आर्थिक हालातों के कारण उन्हां लई सिक्ख्या दे दरवाजे बंद होंदे नज़र आउंदे ने। पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप वर्गियां स्कीमां दा लाभ ना मिलने करके भी कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई विचकार तो ही छड्डण लई मजबूर हो रहे हैं। कई अजिहे हन जो कि दिहाड़ियां करके अपनी पढ़ाई का खर्चा चुक रहे हैं, इस उम्मीद के उच्च सिक्ख्या प्राप्त करके उन्होंने कितने नौकरी मिल जाएगी। हालांकि अजिहे लड़के लड़कियों की गिणती भी बहुत है जिन्होंने पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिली। हत्थां विच डिग्रियां लैके वह नौकरी की तलाश लई भटकते रहे, जदों धक्के खा के भी नौकरी ना मिली तो वह दिहाड़ियां करन नूं मजबूर हो गए। निहाल सिंह वाला दी सुमनदीप की स्थिति जिथे मुफ्त विद्या की गरीबों तक पहुँच न होने की कहानी बयान करती है, उत्थे संगरूर के पढ़े लिखे नौजवानों को खेतों में झोना लगाते देख के बेरोजगारी के माड़े हालात की तस्वीर सामने आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कम टीवी। पंजाब इस वेले झोने की बिजाई का सीजन चल रहा है। मजदूर खेतों में झोना लगाते आम देखे जाते हैं, पर इन्हां दिनी जिहड़ी सब तो ज़्यादा चर्चा चल रही है वह है झोना लगाते मास्टर जी। बी ए एम ए बी एड टैट पास क्वालीफाइड नौजवान सरकार तो नौकरी ना मिलने ते तक हार के झोना लगाने मजबूर हो रहे हैं। गलबात के दौरान मानसा के रहने वाले बेअंत कौर कहती है कि उसने बी ए बी एड की हुई है और टैट पास है। वह गरीब परिवार के नाल संबंधित है, मापिया ने मजदूरी करके उसनू पढ़ाया सी, पढ़ लिख के उसनू नौकरी नहीं मिली जबकि सरकार ने कर कर नौकरी का वादा किया। बेअंत कौर कहती है कि जिस तरह क्वालीफाइड होने के बावजूद लड़के लड़कियां बेरोजगार ने, कारण टीचर ने घट्टो घट 15,000 पोस्टा कढ़नी चाहिए सन, पर सरकार ने सिर्फ 2182 पोस्टा कढ़ के उन्होंने मजाक किया। बेअंत कौर दुखी होकर कहती है कि जे धुप के झोना ही लगाना सी तो उन्होंने पढ़न का की फायदा होया। मानसा की ही करमजीत कौर की भी यही कहानी है। गरीब परिवार के नाल संबंधित करमजीत कौर कहती है इस तो बिना सूबे दे विच होर बहुत विद्यार्थी ने जो पढ़ना चाहते हैं, पर घरां दे माड़े आर्थिक हालातों के कारण उन्हां लई सिक्ख्या दे दरवाजे बंद होंदे नज़र आउंदे ने। पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप वर्गियां स्कीमां दा लाभ ना मिलने करके भी कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई विचकार तो ही छड्डण लई मजबूर हो रहे हैं। कई अजिहे हन जो कि दिहाड़ियां करके अपनी पढ़ाई का खर्चा चुक रहे हैं, इस उम्मीद के उच्च सिक्ख्या प्राप्त करके उन्होंने कितने नौकरी मिल जाएगी। हालांकि अजिहे लड़के लड़कियों की गिणती भी बहुत है जिन्होंने पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिली। हत्थों में डिग्रियां लेके वह नौकरी की तलाश लिए भटकते रहे, जदों धक्के खा के भी नौकरी ना मिली तो वह दिहाड़ियां करन मजबूर हो गए। निहाल सिंह वाला दी सुमनदीप की स्थिति जिथे मुफ्त विद्या की गरीबों तक पहुँच न होने की कहानी बयान करती है, उत्थे संगरूर के पढ़े लिखे नौजवानों को खेतों में झोना लगाते देख के बेरोजगारी के माड़े हालात की तस्वीर सामने आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कम टीवी।